आज हम देखेंगे कैप स्लीव वर्सेस बेसिक स्लीव। कैप स्लीव और बेसिक स्लीव में क्या डिफरेंसेस होते हैं? हमारा फर्स्ट डिफरेंस है, जब हम किसी गारमेंट में कैप स्लीव लगाते हैं तो हमारा गारमेंट ऐसा उठ जाता है, हमारा वेस्ट लाइन से उठ जाता है हमारा गारमेंट कैप स्लीव में। और ज़्यादातर ब्लेजर्स में कैप स्लीव ही यूज़ होती है। और इसका डिफरेंसेस है, बेसिक स्लीव हम किसी गारमेंट में लगाते हैं तो हमारा गारमेंट उठता नहीं है। कैप स्लीव एंड बेसिक स्लीव में ये डिफरेंस है, ओके। और हमारा सेकंड डिफरेंस है, जैसे कि हम कैप स्लीव का उपयोग किसी गारमेंट में करते हैं, जब हम हाथ नीचे रखते हैं तो हमारे इधर रिंकल्स नहीं आते कैप स्लीव में, इसलिए ज़्यादातर कोट ब्लेजर्स में कैप स्लीव यूज़ होते हैं। और कैप स्लीव का उपयोग जब हम छोटी स्लीव बनाते हैं तो हमारा खाली शोल्डर को कवर करता है, हमारा नीचे का हाथ हमारा कवर नहीं करता है कैप स्लीव में। और बेसिक स्लीव में पूरा सराउंडिंग होता है ये स्लीव, ओके। ये तीन डिफरेंसेस है। ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।